वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद कायम अली शाह से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद ने मुलाकात की, जिसमें अमन अमान, कराची ऑपरेशन और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद कायम अली शाह से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने मुलाकात की है। इस मुलाकात ने अमन अमान, कराची ऑपरेशन और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद कायम अली शाह से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने मुलाकात की है, जिसमें अमन अमान, कराची ऑपरेशन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया है। कराची में टारगेटेड कार्रवाइयों से मुतालिक भी तफसीली तौर पर बातचीत की गई। किन किन अहदाफ को हासिल किया गया, कराची के हसास इदारों में किस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा, क्या हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर व खौज किया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद कायम अली शाह से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने मुलाकात की है। इस मुलाकात ने कराची में अमन अमान की सूरत-ए-हाल, कराची ऑपरेशन और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। जो टारगेटेड कार्रवाइयां की गईं, जो अहदाफ इसमें हासिल हुए हैं, उस पर उन्हें एतमाद में लिया गया और तफसीली तौर पर इस पर बातचीत की गई कि किस तरह से लाहे अमल को मुरतब किया जाए कि शहर-ए-कायद में अमन अमान की सूरत-ए-हाल को मजीद बेहतर किया जाए।